क्रिकेट के रिटर्न को लेके तीन काफी बड़े खबरें सामने आ रही हैं और उन खबरों को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, कोविड-19 की वजह से दुनिया भर के सारे स्पोर्ट्स इवेंट अभी होल्ड पे चल रहे हैं और सबसे पहले जर्मनी की बुंडेसलीगा स्टार्ट होने वाली है जो कि 16 मई से स्टार्ट होगी। स्पोर्ट्स फैंस के लिए एक काफी जबरदस्त बात है। और अगर मैं क्रिकेट के रिटर्न के बारे में बात करता हूं, उसके बारे में भी तीन काफी बड़ी खबरें आ रही हैं। तो सबसे पहली खबर है भारतीय तमिलनाडु प्रीमियर लीग के लिए। तमिलनाडु प्रीमियर लीग कहा जा रहा है कि 10 जून से स्टार्ट होने वाली है और सारे के सारे मुकाबले बिहाइंड द क्लोज खाली स्टेडियम के अंदर खेले जाने वाले हैं। तमिलनाडु प्रीमियर लीग के अंदर भी हमको काफी बड़े-बड़े सितारे खेलने को मिलते हैं और एक काफी जबरदस्त लीग और खबर आ रही है कि ये टूर्नामेंट 10 जून से स्टार्ट होगा और ये लगभग जुलाई में खत्म होगा टूर्नामेंट। और इसके सारे मुकाबले दो स्टेडियम में खेले जाएंगे जिसमें एक स्टेडियम बताया जा रहा है डिंडीगुल का स्टेडियम, उसके अलावा दूसरे स्टेडियम के बारे में बात सामने नहीं। लेकिन काफी बड़ी खबर है कि तमिलनाडु प्रीमियर लीग 10 जून से स्टार्ट होने वाली है और यह भी बिहाइंड द क्लोज डोर हो सकती है। तो काफी बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु क्रिकेट की तरफ से। अगली खबर आ रही है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। जी हां, इंटरनेशनल क्रिकेट की रिटर्न डेट होने वाली 8 जुलाई। जी हां, आपने सही सुना, 8 जुलाई को इंटरनेशनल क्रिकेट रिटर्न कर सकता है जहां पे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज एक टेस्ट सीरीज खेलने वाले हैं और ये टेस्ट सीरीज होने वाली है 2 टेस्ट मैच की सीरीज। इंग्लैंड के टेस्ट टीम के कप्तान जो रूट ने कह दिया है कि वो टेस्ट मैच खेलने के रेडी होने वाले हैं और उनकी पूरी टीम इस टेस्ट सीरीज से पहले 3 हफ्ते क्वारंटाइन रहेगी। अपनी फैमिली के अलावा ये सारे प्लेयर्स 3 हफ्ते क्वारंटाइन रहेंगे और ये सीरीज 8 जुलाई से स्टार्ट हो सकती है। और इसके लिए 2 मैदानों की घोषणा हो चुकी है। सबसे पहला होने वाला है साउथहैम्पटन का रोज बॉल क्रिकेट स्टेडियम, वहीं दूसरा मैदान होने वाला है मैनचेस्टर का ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट स्टेडियम। इन दोनों मैदान को इसलिए चुना गया है कि दोनों ही मैदान में होटल इंक्लूडेड है, इस वजह से प्लेयर्स को ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, वो मैदान में रुकेंगे, मैदान में खेल लेंगे और ये दोनों मुकाबले बिहाइंड द क्लोज डोर होंगे। काफी जबरदस्त खबर आ रही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी स्टार्ट हो 8 जुलाई से और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज 2 टेस्ट मैचेस की बड़ी सीरीज खेलने वाले हैं। और आखिरी खबर आई कैरेबियन प्रीमियर लीग की तरफ से। सीपीएल टी20 के काफी जबरदस्त टूर्नामेंट, काफी बड़ा टूर्नामेंट है और खबर आ रही कि सीपीएल भी अपने निर्धारित समय पे होने वाला है। सीपीएल को पोस्टपोन बिल्कुल भी नहीं करा जाएगा और सीपीएल कैंसिल भी बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सीपीएल के अंदर भी बहुत ही जबरदस्त बड़े-बड़े प्लेयर खेलते हैं और 19 या फिर 20 अगस्त से सीपीएल स्टार्ट हो सकता है। तो काफी जबरदस्त अपडेट आ रहा है। वेस्ट इंडीज में कोविड खतरा नहीं है, बहुत ही कम केसेस है वेस्ट इंडीज के अंदर, इस वजह से सीपीएल के ऊपर कोई खतरा नहीं है। तो इस तरह से 3 जबरदस्त अपडेट है कि तमिलनाडु प्रीमियर लीग भी स्टार्ट हो सकती है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी 8 जुलाई से स्टार्ट हो सकता है, उसके अलावा सीपीएल का टूर्नामेंट अगस्त में स्टार्ट हो सकता है और इसके बारे में भी अच्छी खबर आ रही है। तो काफी जबरदस्त 3 अपडेट आ रही क्रिकेट रिटर्न के बारे में, जरूर से इस सारे क्रिकेट फैंस के लिए काफी जबरदस्त खबर है, वो भी पसंद आती है। तो वीडियो को शेयर करना अपने क्रिकेट फैंस के बीच में, लाइक जरूर से करना वीडियो को और कमेंट करें बताओ वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को इस तरह वीडियो देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे इस तरह के अगली वीडियो के अंदर और याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।